साल 1952-53 में तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख की तरफ से बजट पेश किया गया था। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस सरकार में सीडी देशमुख बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार 1952-53 में पूर्ण बजट पेश किया था। आइए जानते हैं रिपब्लिक भारत के दूसरे आम बजट की खास बातें। खराब मौसम के चलते अनाज के उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की गई। सरकार की तरफ से ज्यादा अन्न उगाओ यानी ग्रो मोर फूड स्कीम ने काफी हद तक इस क्षतिपूर्ति को भरपाई की थी। सीमा शुल्क और कर संग्रह काफी मात्रा में होने के चलते सरकार की आय में भारी इजाफा हुआ। इस रिपब्लिक भारत के दूसरे बजट में राज्य सरकारों को कर्ज के तौर पर राशि का आवंटन किया गया ताकि वे उन्हें विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे जुटाने में मदद की जा सके। कपास से निर्यात शुल्क को कम किया गया ताकि उसको और प्रोत्साहित किया जा सके। इस बजट में जूट के निर्यात पर लगे लाइसेंसिंग रोक हटाई गई, साथ ही कीमत में लगातार गिरावट देखी गई। पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति की तुलना में इस बार ट्रेंड बिल्कुल उल्टा देखा गया। कोरिया युद्ध और अन्य बाहरी कारणों के चलते घरेलू आवश्यक वस्तुओं के भंडार में तेजी के साथ गिरावट देखी गई। सरकार ने खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 40% की कटौती की। रिपब्लिक भारत के इस दूसरे बजट में कर प्रणाली में किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन जो कर स्ट्रक्चर बदलाव नहीं किया गया उसको स्टेबल रखा गया था। तो ये तो बात थी रिपब्लिक भारत के दूसरे बजट की।